अमेठी में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पीपरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने मुखबिर की सूचना पर ट्रक के बोनट में छिपाकर तस्करी के लिए ले जाए जा रही 16 लाख रुपए कीमत और 80 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक को सीज कर ड्राइवर को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये गांजा पश्चिम बंगाल से प्रतापगढ़ जा रहा था। ट्रक के बोनट में छिपा कर रखा गया था गांजा। दरअसल ये पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर चौराहे का है, जहां देर रात पीपरपुर पुलिस और स्वाट टीम संदिग्धों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी कि सुल्तानपुर की तरफ से एक ट्रक जा रहा है, जिसके बोनट में लाखों रुपए कीमत का गांजा छिपा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर हरकत में आई पीपरपुर पुलिस और स्वाट टीम ने तुरंत अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कोल्ड स्टोर के पास चेकिंग शुरू कर दी। इस बीच मुखबिर द्वारा बताई गई ट्रक सुल्तानपुर की तरफ से आते दिखी, जिसे पुलिस ने नाकेबंदी कर रुकवा दिया। ट्रक के बोनट में तलाशी के दौरान 16 लाख रुपए कीमत का 80 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने चंदौली जिले के रहने वाले ट्रक चालक विपिन सिंह को हिरासत में लेकर ट्रक को सीज कर दिया। ट्रक में छिपाकर रखी गांजे की खेप पश्चिम बंगाल से प्रतापगढ़ जा रही थी। पूरे मामले पर एएसपी हरेंद्र कुमार ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। स्वाट टीम और साथ ही पीपरपुर पुलिस ने देर रात मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को हिरासत में ले लिया। ट्रक से 16 लाख रुपए कीमत का 80 किलो गांजा बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया, क्या है पूरा मामला? ये कल रात में पीपरपुर थाना और जिले की स्वाट टीम द्वारा एक दुर्गा बाजार के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 16 बंडल गांजा, जिसका वजन करीब 88 किलोग्राम है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख है, इसको बरामद किया गया है। इसमें एक अभियुक्त विपिन सिंह, जो जनपद चंदौली का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ पर इसके द्वारा बताया गया कि यह गांजा ये पश्चिम बंगाल से लेके आ रहा था, प्रतापगढ़ में इसको सप्लाई किया जाना था। आपराधिक इतिहास कुछ अभी तक इसका कोई आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। संबंधित जनपद से भी इसका क्रिमिनल हिस्ट्री पता करने का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को, हाँ, इसको निश्चित रूप से हम लोग पुरस्कृत कराएंगे। अमेठी से नाउ 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।